नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में एक बार फिर से। दोस्तों, सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म गुड न्यूज को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पूरे 10 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। आज दोस्तों इस फिल्म का 11वां दिन है और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डेली कोई ना कोई रिकॉर्ड बना रही है। बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों अपने पहले ही दिन से धमाकेदार कमाई करने के बाद इस फिल्म ने दोस्तों अपने 11वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई कर रही है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि इस फिल्म का अभी तक का जो टोटल कलेक्शन है वो कितना हो चुका है। तो दोस्तों आपको बता दें कि रोमांटिक कॉमेडी फिल्म गुड न्यूज, जिसके लीड में आपको सुपरस्टार अक्षय कुमार, दिलजीत दोसांझ, कियारा आडवाणी और करीना कपूर खान नजर आई थी। इस फिल्म को दोस्तों डायरेक्ट किया था राज मेहता ने, वहीं इस फिल्म के प्रोड्यूसर है धर्मा प्रोडक्शन। दोस्तों बता दें आपको कि इस फिल्म में सुपरस्टार अक्षय कुमार ने वरुण बत्रा के किरदार को और पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ ने हनी के किरदार को बखूबी निभाया है और उन्होंने साबित कर दिया दोस्तों कि वो दोनों टॉप बेस्ट कॉमेडियन एक्टर है। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में 3100 स्क्रीन पर 27 दिसंबर के दिन रिलीज किया गया था, जहां से दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन बम्पर ओपनिंग ली और कमाए 17,56,00,000 रुपए। सेकेंड डे में दोस्तों इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे उसमें लगभग 24% की ग्रोथ देखी गई और इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर सभी को अचंभित करते हुए कमाए 21,78,00,000 रुपए, जो कि दोस्तों इस तरह के सोशल मैसेज देती हुई फिल्मों के लिए काफी बढ़िया कलेक्शन था। थर्ड डे में भी दोस्तों इस फिल्म ने काफी अच्छी कमाई की और कमाए 25,65,00,000 रुपए। इस तरह से यह फिल्म अपने शुरुआती 3 दिनों के वीकेंड में 66,00,00,000 रुपए की कमाई कर चुकी थी। अब यहाँ पर बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के फर्स्ट वीक के डे वाइज कलेक्शंस की, तो दोस्तों वर्किंग डे होने के बावजूद भी इस फिल्म ने अपने चौथे दिन काफी शानदार होल्ड किया और कमाए 13,41,00,000 रुपए। पांचवे दिन दोस्तों 31st की छुट्टी होने की वजह से इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे उसमें लगभग 24% की ग्रोथ देखी गई और इस फिल्म ने कमाए 16,20,00,000 रुपए। और अपने 6th डे यानी कि न्यू ईयर में दोस्तों इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ 22,50,00,000 रुपए कमाए। 7th डे के जो कलेक्शन रहे वो रहे लगभग 10,80,00,000 रुपए के। इस तरह से ये फिल्म अपने फर्स्ट वीक में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 127.90 करोड़ यानी कि 127,90,00,000 रुपए कमा चुकी थी। दोस्तों इसी के साथ इस फिल्म ने 2019 के कई सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए थे और सुपरस्टार अक्षय कुमार सर के लिए वन ऑफ द बेस्ट ओपनर फिल्म साबित हुई थी। अब यहाँ पर बात की जाए इस फिल्म के सेकेंड वीक की, तो दोस्तों सेकेंड वीक में कई सारी फिल्में रिलीज हो चुकी है लेकिन सुपरस्टार अक्षय कुमार की इस फिल्म को लगभग 93% जो स्क्रीन है वो वापस से रिटेन की गई है। यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म ने अपने 8वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाए 8,10,00,000 रुपए, वहीं अपने 9वें दिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार ग्रोथ दिखाई और कमाए 11,70,00,000 रुपए। बात करें इस फिल्म के 10वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों अभी तक की अपडेट्स के हिसाब से इस फिल्म ने अर्ली एस्टिमेट में अपने 10वें दिन कमाए है लगभग 14,30,00,000 रुपए। इस तरह से इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो अपने 10 दिनों का हो चुका है 162 करोड़ रुपए का। बताते चले दोस्तों आपको कि सुपरस्टार अक्षय कुमार की इस फिल्म को ओवरसीज में भी खूब पसंद किया गया है और यह फिल्म उनके कैरियर की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है, जिसने कि सिंग इज किंग के भी कलेक्शन को पीछे कर दिया है। इस फिल्म का जो ओवरसीज से कलेक्शन है वो हो चुका है लगभग 60 करोड़ रुपए का। वहीं ऑल इंडिया ग्रॉस पर दोस्तों यह फिल्म अपने 10 दिनों में 191 करोड़ रुपए कमा चुकी थी। इस तरह से इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 251 करोड़ रुपए का हो चुका है। दोस्तों जिस तरह से अक्षय कुमार की यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है उस हिसाब से यह फिल्म उनके करियर की एक हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन सकती है और हो सकता है दोस्तों कि यह फिल्म चाइना में रिलीज होने से पहले ही 300 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर दे। बात की जाए यहां पर इस फिल्म के 11वें दिन की, तो दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म की जो एडवांस है वो आज की भी लगभग 80,00,000 रुपए की थी। वहीं आज इस फिल्म को दोस्तों मॉर्निंग से काफी शानदार होल्ड देखा गया है और आज की इस फिल्म की जो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी है वो रही है 12-15% की, जो कि दोस्तों एक तरह से वर्किंग डे में काफी शानदार ऑक्यूपेंसी है। आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी में दोस्तों इस फिल्म के एक बार फिर से ग्रोथ देखी जा सकती है। यही वजह है दोस्तों कि ये फिल्म आज अपने 11वें दिन भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 5.5 से 6 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली है। इस तरह से इस फिल्म का इंडिया से नेट कलेक्शन हो चुका होगा लगभग 168 करोड़ रुपए का। वही दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 260 करोड़ के आंकड़े के साथ ही 2019 की टॉप 8 हाईएस्ट वर्ल्ड वाइड ग्रोसर फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी होगी। दोस्तों इसी के साथ यह फिल्म अक्षय कुमार के करियर में अब तक की सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्मों की लिस्ट में भी शामिल हो चुकी है, जिसका बजट है मात्र 60 करोड़ रुपए और अभी तक कमा चुकी है 260 करोड़ रुपए। दोस्तों इस फिल्म ने सैटेलाइट राइट्स, म्यूजिक राइट्स, डिजिटल राइट्स से भी लगभग 150 करोड़ रुपए कमाए थे। इस तरह से दोस्तों अगर देखा जाए
तो दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स को अभी तक इस फिल्म से लगभग 300 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट हो चुका है। आपको दोस्तों क्या लगता है, सुपरस्टार अक्षय कुमार की ये फिल्म अब लाइफ टाइम में कितनी कमाई करेगी? आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे इस चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।